लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। देखिए, आज की जो युवा मांग है नौकरी, ये सब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जा रहा है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. But they are fast becoming frustrated over a lack of jobs. This is Prayagraj city in Uttar Pradesh state, which is voting to elect a new government. And this particular street is lined with bookshops. This is a place where students come to buy study material to help them pass tough government exams. Now, jobs, or rather lack of them, is a big election issue here. Only 12 out of the state's 70 million youth had a job as of December 2021. Now that is a lot of unemployed people. समय व्यतीत हो जा रहा है, बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 2-3 साल तो कोरोना खा गए इसे। People in this state and other parts of the country too are desperate for jobs, and this desperation has turned into anger and sometimes even violence. There are some students here who are browsing for books. So I'm just going to have a quick chat with them. हम अपनी तरफ से तो सर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो ये एग्जाम के बाद रिजल्ट का जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक होता है बच्चों के लिए। Even if jobs are announced, by the time tests happen, results come out, interviews happen, sometimes it takes between 3 to 5 years, and that really adds to the frustration. हर 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं। ये आपके अपने आसपास का अपना अपना देखा हुआ आंकड़ा है। अपना देखा हुआ आंकड़ा। So we are going to spend the next few days with some of the job aspirants and take you inside their lives to understand what really keeps them going, sometimes even for a decade, in search for that elusive job. So we are in one of the really busy areas of the city, and as you can see here, there are a lot of houses stacked very close to each other, and each of these houses have really small and dimly lit rooms, and that is where students live and study because these rooms are cheaper and more affordable for them. And these are the very rooms where thousands of dreams are broken every year. So today what we are going to do is meet Anil Nirmal. He is going to show us where he lives, so we're going to talk to him. So Anil, that's Anil here. I've been of course talking to him on the phone. So aap abhi apne room mein le chalenge hame? Let us see my room. Come. यहाँ पे हमारे लिए जब घर से आते हैं तो इलाहाबाद में यही हमारे कमरा ही हमारी दुनिया है। दुनिया इन द सेंस कि इसी में रहना है, इसी में खाना है, इसी में बनाना है, इसी में सोना है, इसी में पढ़ना है। आपको मम्मी की याद आती है जब? सर बिल्कुल, क्योंकि घर में तो हमको खाना बना बनाया मिलता है और यहाँ पे तो बनाना ही पड़ता है, तो बेसिकली घर की तो याद तो आएगी सबको। हमारे जो फैमिली है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है और एक से दो लोग कमाने वाले हैं, और इससे पहले पापा जो है वो भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे और वो अपनी लाइफ किसी तरीके से कम पैसे में या फिर स्ट्रगल लाइफ जिया। और ऐसा फैमिली लोग में चाहते हैं कि लोग एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिससे फैमिली में सपोर्ट हो जाए और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी एक रोड मैप तैयार हो जाए। हम जिस रीजन से आते हैं उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा अभाव है, जिसके वजह से जो बहुत सारे लोग हैं जो छात्र हैं वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत कम है, तभी लोग गवर्नमेंट की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है तो आपको पुणे, बेंगलोर एज ए माइग्रेंट आपको वहाँ पर जा कर के जॉब करना पड़ेगा। यूपी में ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आप जो है जॉब कर सकते हैं। एक नोएडा ही है जहाँ पे लोग जॉब करते हैं।
और मैं सोचता हूँ कि आप पहले मैं खाना बनाता हूँ, आप खाइए, फिर उसके बाद बात करते हैं बात पे, कल सुबह आपको घर ले चलते। चाय भी बोल रहे थे, खाना और चाय दोनों। जी सर, आपको जो मर्जी खाना चाय भी कर सकते हैं। चाय तो देखिए स्टूडेंट के लिए इलाहाबाद में सबसे बड़ी ये जड़ी बूटी कहते हैं लोग इसको, जड़ी बूटी है। हाँ, शाम को आते हैं बस यही एक सहारा है, लोग चाय पी लेते हैं, टहल भी लेते हैं, रिफ्रेश, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। और बाकी क्या करते हैं आप लोग रिलैक्स होने के लिए? मोबाइल पे मूवी देखते हैं। देखिए मूवी वगैरह तो बहुत कम, गेम कभी खेल लिए तो खेल लिए गेम, मूवी तो मैं बहुत वेब सीरीज कोई देख लिए। गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। Today we are going to Anil's village, which is about 150 kilometers from Prayagraj. वैसे मेरे घर में तो भैया हैं, मम्मी पापा हैं, लेकिन पापा बाहर रहते हैं। मैंने इसलिए कहा कि जब आप मेरे साथ गांव चलेंगे तो आपको लगेगा और आप देखेंगे, उससे जुड़ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि एक गांव का लड़का जब अपने घर छोड़ करके बाहर पढ़ने आता है तो वो किस पृष्ठभूमि से आता है। तो एग्रीकल्चर हमारा बेसिक इनकम है, खेती से उतनी सारी इनकम नहीं होती है, एक साल का खाना पीना ही पूरा हो सकता है। अगर वो सोचे कि हम खेती से अपनी पूरी लाइफ की जर्नी कंप्लीट कर लें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लें, आई थिंक इम्पॉसिबल है। सिर्फ इसीलिए हम सोचते हैं कि यहाँ से निकल के जाएँ और एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। आइए, वेलकम है इन माय हाउस। यस सर, मेरा घर है। कितने घर होंगे यहाँ हमारे गांव में? लगभग मान के चलिए 300-350 घर होंगे। और लगभग हर घर से कोई ना कोई ऐसे बच्चा तैयारी? हाँ हाँ, कोई ना कोई बच्चा तैयारी कर रहा है यहाँ से। मैं भी वहाँ रहा हूँ 8 साल। 8 साल लगभग जी, जी, जी नहीं मिली जी, कामयाबी नहीं मिली। क्यों इतना ज़रूरी है कि अनिल सक्सेसफुल हो, एक सरकारी जॉब मिले? हमें इससे यही उम्मीद है कि आगे एक अच्छी जॉब पाए, अपने परिवार को सिक्योर करे। आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल हियर, अ लॉट ऑफ यंग पीपल, and based on that and also from our experience of spending past few days with job aspirants, one thing is clear: India is just not creating enough jobs. If that is not addressed sooner, then the kind of protests we saw in Bihar and also in Prayagraj will sadly become more common. So the task is very much cut out for the next government. They have to keep job creation right on top of their agenda.